पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। क्या करें, आजकल मौका ही नहीं मिलता हंसने का, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आए दिन शनिवार वाड़े में परेशानी आते जा रही है, लेकिन मुश्किलें तो जीवन का अभिन्न अंग है, ये तो हम जानते हैं। बस इसे दूर रखना चाहते हैं हम ही सारी चीजों से। हम चाहते हैं हमारे नाना साहब को कोई परेशानी, कोई दुख छू तक ना सके। मसानी हम ये पहले ही फैसला कर चुके हैं कि हम बाजीराव को अब रोकेंगे नहीं और अपनी बात पर कायम भी रहेंगे। खैर, हम भी क्या बेकार की बातों में लग गए। मैं जानता हूँ जो तुम नहीं कहना चाहती हो काशी, तुम्हें कभी भी मेरे रास्ते की बाधा बनना पसंद नहीं है। जब मैं 7 सालों के लिए पेशवा बनने के लिए निकला था, तो मेरे और छत्रपति शाहू महाराज के रोकने के बावजूद भी तुमने मुझे रोका नहीं था। बुंदेलखंड जाते वक्त भी तुमने अपने गर्भवती होने की बात मुझसे छुपाई थी काशी, लेकिन इस बार मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ साथ नाना साहब के लिए भी बहुत मुश्किल है। यकीन मानो, मैं दिल पर पत्थर रखकर यहां से जा रहा हूं, इस भरोसे से कि नाना साहब के साथ तुम हो, आई है, चीमा है, लेकिन मस्तानी के साथ सिर्फ मैं हूं काशी। वो यहां असुरक्षित है, उस पर हमला करने वाले कई लोग हैं, इसीलिए उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है और मुझे यह निभाना होगा। आपको क्या पता सच क्या है? सच? कैसा सच? आपने अपने आप पर हमला करवाया मस्तानी। हम फिर देखो बेकार की बातों में लग गए। आपने सही कहा, हम आपको नहीं रोकेंगे, आप वही कीजिए जो आपको सही लगता है, उसके साथ रहिए जिसे आपको लगता है आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम आपको यही कहेंगे कि दिल से सोचिए, क्या पता साफ साफ कई बातें आपको नजर आ जाए। क्या पता आप डर गए, आपका धीरे धीरे बाजीराव से विश्वास हटने लगा, तो आपने ऐसा पैंतरा अपनाया। लेकिन हमारा विश्वास 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब हमें भरोसा है कि बाजीराव हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अब क्या करने वाली हैं आप? हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप ये भी करके देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए कि केवल 4 दिन के लिए भी बाजीराव आपके साथ आते हैं या नहीं। लेकिन इस बार मस्तानी, अगर हो सके तो नियत साफ रखना अपनी, धोखेबाजी मत करना, खुद को कायर मत साबित करना। अगर हार भी गई तो स्वीकार करना, जैसे एक वीर रणभूमि में अपने घाव, अपनी चोट को स्वीकार करता है। नहीं, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि बाजी हमें हारने नहीं देंगे। बाजी पर नहीं, अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि आगे चलकर इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बाजी सिर्फ हमें चुनेंगे, सिर्फ हमें, हमारे अलावा वो किसी और को चुन ही नहीं सकते, क्योंकि वो सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। आइए। बहू कहाँ है आपकी? वो गर्भ से है। वैसे आज क्या उपलक्ष्य है राधा भाई? आज श्रावण महीने की पूर्णिमा है, ये बहुत अच्छा दिन है। इस अच्छे दिन पर बाजी और काशी ने पूजा का आयोजन किया है।
पेशवाई और इस परिवार की शुभकामना के लिए। अति उत्तम, पर वो दोनों है कहाँ? बस आते ही होंगे। आप दोनों दंपत्ति के रूप में यहाँ पूजा में बैठे हैं, तो जोड़ी से आहुति डालिए ना। श्रीमंत, अपना दायना हाथ आगे कीजिए। पेशविन भाई, आप भी अपना दायना हाथ आगे कीजिए और श्रीमंत के दायने हाथ को स्पर्श कीजिए। और दृढ़ निश्चय पूर्वक विश्वास के साथ आहुति दीजिए, तभी यह अनुष्ठान फलीभूत होगा। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिव और चंदन, ऐसे दोनों के है संयोग जुड़े। आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली थी, और ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। दिल मत जलाओ मेरी चंदा, तुम बस ये समझ लो कि आखिरी पूजा है काशी की बाजीराव के साथ, क्योंकि इसके बाद बाजीराव जी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे होंगे हमेशा के लिए। पूजा संपन्न हो गई। आज शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है बाजी, और इतना अनमोल गहना स्त्री खुद पहन ले तो उसका मोल नहीं है। अगर पति पहना है तो बात ही अलग है। पहना तो ये मंगलसूत्र काशी को। तो मैं बाजीराव बल्लाड़ तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे प्रति हर कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करूंगा। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिव और चंदन, कर रहा की डोली माहे बचपन, और बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। एक एक पल हमें डस रहा है, कितने खाब देखे थे हमने हमारे शादी के, लेकिन बिना किसी उत्सव के अपना मन मार के बाजी का हाथ थम कर यहाँ पर आए। दिल छल्ली हो गया हमारा। बाजी ने दोबारा शादी कर ली काशी बाई से। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं, ऐसा लगा जैसे आप अब भी वही राहु हैं जिन्हें हम जानते थे। मैं वही हूँ काशी, विश्वास करो। अगर कुछ नया है भी तो इसमें तुम्हारी जगह ना कभी बदली है और ना ही कभी बदलेगी। मेरे जीवन में काशी का स्थान कोई ले ही नहीं सकता। आपने जबान दी थी कि आप बाजी को रोकेंगी नहीं, और हमने अपनी बात निभाई। हमने उन्हें नहीं रोका है मस्तान, वो खुद आए हमारे पास मदद मांगने। और आप ये कब समझेंगे? उन्होंने ये फैसला लिया है क्योंकि उन्होंने हम दोनों को चुना है। आखिर आप जीत ही गई, हमारा तो पता नहीं, लेकिन हाँ आज हमारा बेटा अपने पिता को जरूर जीत गया। ये फैसला उन्होंने खुद लिया है मस्तानी, और इस वक्त आपकी जिद ने आपको सच में बहुत अंधा बना दिया है। इसलिए हम आपको एक ही सलाह देंगे, अपनी जिद को दूसरी तरफ रखिए और सोचिए। क्या पता आपको समझ आ जाए
कि बाजीराव ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही फैसला है। आज तो हम हार गए हैं, लेकिन अगली बार कितने नहीं देंगे आपको वो तो वक्त ही तय करेगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि बाजी रुक गया है। बाजी को रोका है हमने, हम सब ने, हमारे परिवार ने। तुम्हें क्या लगा था तुम बाजी को लेकर जाओगे और हम ऐसे ही देखते रहेंगे? ऐसे नहीं होगा। तुम बहुत बड़े भुलावे में हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाजी पर राज करती हो। बालाजी बल्लाड़ का खून है बाजी में, मेरा दूध पिया है उसने। काशी ने इतने सारे त्याग किए तब जाकर उसकी विजय पताका लहराई है, और तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे ही लेकर जाओगी बाजी को और वो चला जाएगा तुम्हारे पीछे पीछे? बड़ी बड़ी बातें करती हो मोहब्बतें और क्या क्या पता नहीं, लेकिन बाजी का काशी के साथ दोबारा विवाह किया हमने, कुछ नहीं कर पाई तुम। बाजी सिर्फ नाना के लिए नहीं रुका है बल्कि इस विवाह के लिए, काशी के लिए भी रुका है। तुम्हें क्या लगा था तुम रासलीला करोगी उसके साथ और वो मान जाएगा? हम हार गए मतलब अजी को काशी के आगे उनके परिवार के आगे हम हार गए। बीबी तू रोना बंद कर। हम क्या करें, कैसे कैसे वो इतने जल्दी भूल गए कि हम भी हैं यहाँ? बीबी चुप कर जा, रोना बंद कर, शांत हो जा। तुमने देखा कैसे वो हाथ में हाथ डालकर आहुति दे रहे थे काशी के? किधर देख, देख इधर। और जब अरमाला पहना रहे थे तो काशी भाई की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे तुम उसे हमारी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं ना, मतलब यही तो उन सबकी चाल है और इससे बाजीराव जैसा बन नहीं सके। मंगलसूत्र भी पहना दिया। अब पेशवीन बाई ने उस मस्तानी की जान की रक्षा करने का बीड़ा तो उठा लिया है, पर क्या वो अपने इरादों से बाज आएगी? यहाँ पे सही रहेगी वो? अब क्या करेंगे सासुमा, बस अपना गुस्सा पीकर रहेंगे? आगे कुछ भी नहीं करेंगे हम? करेंगे। काशी ने उसकी जान की जिम्मेदारी ली है, उसके मान की थोड़ी ना लिए। क्या बुंदेलखंड की राजकुमारी है ना वो, लेकिन यहाँ क्या है, एक रखी हुई औरत और कुछ नहीं। ये तो सब जानते हैं सासुमा। सब लोग जानते हैं लेकिन मस्तानी नहीं जानती। वो ये नहीं जानती कि यहाँ उसका कोई औधा नहीं है। बाजी के नाम पर घमंड करती है वो, तो हम उसे उसके मुंह पर जलील करेंगे, उसका सारा घमंड सारा मान सम्मान छीन लेंगे उससे। और क्या, दूसरी औरत है तो दूसरी औरत बुलाने में हर्ज ही क्या है? सच बात बोलना कोई अपराध नहीं है। आज पूजा तो अच्छे से हुई, एक काम करना रखमा। जी। संध्या काल में हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखना और उसमें मस्तानी को बुलाना, देखते क्या होता है। खुद जाना, किसी सेविका को मत भेजना। जी सासुमा। मस्तानी क्या हुआ, क्या हुआ मस्तानी? उनके लिए हम ना जाएं।
हमारी शादी हो जाएगी। क्या? अरे आखिर बात क्या है बताएगी? इसमें तो शादीशुदा औरत ही आ सकती है, और तुम तो रखी हुई औरत हो, कोई सुहागन थोड़ी हो। पत्नी के होते हुए दूसरी औरत को उपवस्त्रही कहा जाता है। कोई बात नहीं बीबी, बस एक बार धुपाजी राव जी के बच्चे की माँ बन जा, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं बच जहाँ पर हमारी शादी ना जाए से, वहाँ हमारा बच्चा कैसे जाए जा सकता है? बाजीराव जी अनर्थ हो गया अनर्थ। मस्तानी अपना आपा खो चुकी है, वो वाड़े से बेताशा भागती हुई पार की तरफ चली गई है। लेकिन कहा? पता नहीं, हम तो ये भी नहीं जानते कि हुआ क्या है। आप जल्दी जाइए और उसे लेकर आइए। सासू अपने सब जानबूझ के किया ना, लेकिन हमने वादा नहीं तोड़ा है काशी, और ना ही उसकी जान पर हमला किया है। सासू हम आपकी सारी बातें मानते हैं, समझते हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। क्या जरूरत थी उन्हें इतना भला बुरा कहने की? वो रहो बाजी रहो, इतनी मुश्किल से शांत हुए थे, यहाँ रुक गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, ना जाने इसके बाद कौन सी बड़ी मुसीबत आएगी। काशी तुम पत्नी हो बाजी की, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, और वो उसे तो उसके औकात का भी अंदाजा आ गया होगा। और देखो काशी, जो सच है वो सच है, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये सच बहुत कड़वा है सासू, न जाने इसका नतीजा क्या होगा। बस ये सोच सोच के डर लग रहा है कि मस्तानी के इतने अपमान के बाद बाजीराव की क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या होगा, क्या सोच रही हो तुम? हम इस बारे में बात भी नहीं करना चाहते। पत्नी, किसने देखी हमारी शादी? कावेरी का की? जी कावेरी का की आपने पेशवा सरकार को देखा है भाई? पेशविन भाई, मैंने अभी अभी मस्तानी बाई को बाड़े के बाहर जाते हुए देखा, तो पेशवा सरकार भी शायद। बाजी, अगर आप हमें चाहते हैं और चाहते हैं कि सब हमें इज्जत दें, तो इसी शनिवार वाड़े में सबके सामने आपको हमसे शादी करनी होगी दोबारा। ठीक है, तो मैं सबके सामने तुमसे शादी करूंगा और सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। चलो। काशी, मुझे अभी सबसे बात करनी है, सभा बुलाओ। आपको जो कहना है हमसे कहिए, हम पेशविन हैं यहाँ की, फिर हम तय करेंगे कि इस समय सभा बुलानी चाहिए या नहीं। ठीक है। रुके मस्तानी, आप तो अपनी बात इनसे कह चुके होंगे अब तक, अब जरा हम इनसे अकेले में बात कर ले। काशी भाई, जो कुछ भी हुआ है वो जानने का हक सबसे पहले इन्हें है, क्योंकि हम एक जान है। क्या फर्क पड़ता है, आप हमारे सामने भी कह सकती हैं
हाँ लेकिन अगर आपको अकेले में बात करनी है तो हम रोकेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप तो पेशवेन है, ये आपका राज्य है, आपके राज्य आपके नियम है ना। अब तो मैं अकेला हूँ, बोलो। आप आइए हमारे साथ, हम बताते हैं। काशी यही बताओ, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन आप तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, वही करेंगे जो आपको सही लगता है। क्या कहें, बस यही कहेंगे आपसे कि जो भी करने वाले हैं इन सब बातों को ध्यान में रख कर कीजिए। मैं वादा कर चुका हूं। तो फिर बस एक रात का समय दीजिए हमें। आप सभा बुलवाना चाहते हैं, बुलाएंगे, पूरे परिवार के सामने बुलाएंगे कल। आपके पास रात भर का समय है, आप सोचिए, सोच समझ कर विचार विमर्श करके निर्णय लीजिए बाजीराव। तुमने मेरे लिए बहुत किया है काशी, ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन याद रखना मेरा फैसला बदलेगा नहीं। इस बार जो होना है वो शायद सच में अटल ही होगा। हे देवा, क्या अनर्थ होने वाला है। काशी, क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? जाओ सो जाओ। आप सो जाइए सासू माँ, क्या पता फिर कभी आप चैन से सो पाएगी या नहीं। क्या हुआ है, क्यों ऐसा कह रहे हो? चाहकर भी नहीं बता सकते, हम नहीं चाहते कि कल क्या होने वाला है उसकी चिंता में आज आप सोए ही ना। काशी, सासू माँ, हम अभी सो जाएंगे, सो जाइए आप। काशी का पति, काशी का घर, प्रेम, मान सम्मान, सब कुछ, लेकिन ये नहीं जानती कि काशी जैसा नसीब पाने के लिए काशी जैसा होना पड़ता है, और जो इसके बस की बात नहीं है। मेरी गलती है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैंने सोचा आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों को मना पाऊंगा, लेकिन यहाँ तो बिना लड़े कोई बात। लड़ने से पहले ये तो सोचा होता बाजी कि जिसके लिए लड़ रहे हो वो उसके काबिल है भी या नहीं। पहले ही अपने बाबा छत्रसाल की नाक कटाती आई है ये। उन्होंने उनका पाप तुम्हारे गले डाल दिया, और तुम बुंदेलखंड का ये कलंक लेकर यहाँ तक पहुँच गए। आई, कुछ तो विचार कीजिए बात करने से पहले। विचार तुम्हें करना चाहिए था ये बोलने से पहले अपनी पत्नी के सामने कि तुम इस लड़की के साथ विवाह करना चाहते हो। सुना था कि इसके सौतेले भाई से मार देना चाहते थे। अच्छा होता अगर मार देते, अपने सौतेले भाइयों के साथ साथ काशी का घर तो नहीं बर्बाद करती है। कोई बात नहीं आई, अगर इसने भाभी की जगह लेने की कोशिश की तो इसके सौतेले भाइयों का काम मैं कर दूंगा। शिमा, शिमा जी,
बस अब जानते हैं, अपनी जान पर खेलकर मस्तानी के संरक्षण की सौगंध ली है हमने। अगर आगे बढ़ना है तो पहले हमारा गला काटे। भाभी जी, माँ जी, बस क्षमा कीजिए भाभी। आप भी अपनी तलवार में हाथ में रखिए अभी। देखो भाई जी, मन बहलाने के लिए अगर इस लड़की को रखना है तो रख लो, हाँ, लेकिन ये हमारे परिवार का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं। ये बल्लाल परिवार है, ऐसी विनाशनी औरत यहाँ नहीं रह सकती। जीमा, ये कोई रणभूमि नहीं, ये सभा है, घर है। कहा नहीं जा सकता, कभी कभी सदमे में इंसान लड़ना ही छोड़ देता है। पेशवन भाई, मुझसे जो हो सकता है मैं जरूर करूंगा, लेकिन जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकता। क्या हो गया बच्चे, इतने निराश हो गए? इस लड़की के साथ विवाह करना इतना आवश्यक है बच्चे? अब मैं जरा जांच कर लूं, आप लोग जरा। बीबी चलो। राजा साहब, बारा, आज आपकी आई के न्याय का मूल आपके बाबा को चुकाना पड़ा है बारा। अशी, अपने आप को कोसना बंद कर दो। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बाजी इस हद तक जा सकता है उसके लिए। ऐसा सुमा, हमने देखा उनकी नजरों में जो नफरत थी वो हमारे लिए थी। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि अब हम उनके खिलाफ फैसला लेंगे, लेकिन सच ये है कि वो विवाह करते वक्त उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, अच्छा नहीं हुआ ना। लेकिन फिर भी वो जो सुनना चाहते थे वो फैसला अब नहीं ले पाए। इस बात के गुनहगार तो हम हैं ना। तुम जिस पद पर हो उस पद पर तुमने सबका मन रखने की कसम नहीं खाई है, सच बोलने की, न्याय करने की कसम खाई है। लेकिन क्या हुआ सच बोलकर न्याय करके? हमने फैसला कर लिया, हम वही करेंगे जो उन्हें सही लगेगा, फिर चाहे उसका परिणाम जो भी हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।